भगवान के दया रहल तो ठीक रहल। एग्जाम डर तो नहीं लागत लेकिन तनी तनी डर लागत आ तैयारी कतनो रहला तो डर लागे ला नो डर ये लागत है कि क्वेश्चन उशन आउट मत हो जाए। अभी तक तो आउट नहीं भेल और संभावना करत नहीं कि आउट होबो ना करी। हमने के अपन कलम के बल पर बानी या कलम से क्रांति लिखे के प्रेरणा एग्जाम का 100% तैयार है। हम लोग कलम के बल पर एग्जाम में हम लोग सेट मीटिंग नहीं चलता है। अरे जी लगे लिखे डरा लो सो काहे कि पढ़ने वाला के तो दिक्कत होता है ऊपर से ही। अगर ऊपर सही रहा अंदर सही रहा बन जाना। नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि आज सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम और आखिरी दिन है और ऐसे में देखिए तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो देखिए एग्जाम सेंटर पर पहुँचे हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए हैं, एग्जाम के लिए कितना तैयार है। कहाँ से आए आप लोग? आरा से आए। आरा से आए। हाँ। कितना तैयार है एग्जाम के लिए? तैयारी तो पूरा हम लोग किए हैं। पूरा मतलब पढ़े हैं, पढ़ाई किए हैं। कितना मतलब क्या सोच कर आएंगे? 100 नंबर के पेपर है क्या? 100 नंबर के पेपर है, अपना से जितना हम लोग का लिखाएगा उतना लिखेंगे। उतना लिखेंगे? हाँ। मतलब पूरा एकदम तैयार हो? हाँ, पूरा जितना जानकारी है उतना लिखेंगे। लिखेंगे। हाँ। आप कहाँ से? हम भोजपुर जिला से। भोजपुर जिला सबसे ज़्यादा सेंटर है हरे के बका? हाँ हाँ, हरे का। हरे के 12 जैसे। अच्छा, कितना एग्जाम के तैयार 12 जी? जितना जितना हम लोग किए उतना हम लोग लिखेंगे, उतना मारे। मतलब एक हुई ना कि मतलब प्रिपरेशन करो तो वो तो मन में हुई कि ये बार एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट हो कि एक पहले वाला जो हम भाई हम दे रहे तो हम लोग दिए थे बोला तो लिंक हो गया वाला हरा वाला। अब की हम लोग कोशिश किए हैं, अब देखो भगवान जाने। हाँ। मन बना के मतलब आए? हाँ, मन बना कर आए। अच्छा ये बताइए, पिछली बार जो पेपर आपने बोला कि दिए थे लीक हुआ पेपर रद्द हुआ, इस बार डर भी लग रहा है? नहीं अभी डर नहीं है, इसलिए सेंटर अलग अलग कर दिया है ना, इसलिए अब कोनो डर नहीं है। कोनो डर नहीं है? अब क्या डर है? मतलब अब पहला धांधली था आरा में, अब धांधली करने को मिलेगा ना? अरे में धांधली था? हाँ, अरे में धांधली। अब नहीं हो रहा है सब? अब ये आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बिहार शरीफ से। कहाँ से? हम बिहार शरीफ से हैं। कितना एग्जाम के लिए तैयार किए? देखिए अभी जो रिजल्ट होगा तो समझ के रिजल्ट हो गया। मतलब एक होगा ना कि प्रिपरेशन करते हैं? हाँ, प्रिपरेशन तो करते हैं तो ऐसे कि जब तक रिजल्ट नहीं होता जब तक कोई क्या बोल सकते। पिछली बार पेपर रद्द हुआ था, री एग्जाम हो रहा, डर भी लग रहा है? कोई डर नहीं लग रहा। कोई डर लग रहा? टीका उका कर गया है? हाँ टीका। आप लोग कहाँ से? हम आरा साइल बने। आरा साइल बने? हाँ। मतलब सबसे ज्यादा सेंटर जा रहे के बाद? हाँ, आ रहे के बड़ हुए। अच्छा, आ रहे के बाद कितना तैयार? कितना तैयारी? तो पूरा फुल बने अब की बेरा। अब की बेरा फुल? हाँ हाँ, पिछला बेरा हमारे ना रहला 7 तारीख है तो हम मैंने कैंसिल में रहे। हम कैंसिल में रहा? हाँ कैंसिल में रहे। अच्छा मतलब का मतलब सोच कई लोग बना एकदम? हाँ अब की बेरा सोच कैल बने लूसेंट एडजेक्टिव सब्जेक्टिव और रोशन आनंद सर के क्वेश्चन बैंक बड़ी मैं सेम कमांड पर कैल बने। अब की बेरा भगवान के दया रहा तो ठीक रहा एग्जाम। अच्छा ये बताओ पिछले बार पेपर डर भी लगा था? डर तो नहीं लागत लेकिन तनी तनी डर लागत आ तैयारी कतनो रहला तो डर लागे ला नो। काची काची डर काची लागत? डर ये लागत है कि क्वेश्चन उशन आउट मत हो जाए। अभी तक तो आउट नहीं भेल और संभावना करत नहीं कि आउट होबो ना करी। मुना भाई ढेर पकड़ल जाता हूँ? और पकड़ल जाता है जो जो ना फेरा में रहला वो पकड़ेबे कर रहा लोग। हम लोग फेरा में नहीं खा? हमने की सबके फेरा में बिल्कुल नहीं खींचा। हमने की अपन कलम के बल पर बानी जा कलम से क्रांति लिखे के फेरा मानी जा। कहाँ से है? अरे भागिए मत, अरे परीक्षा देने भाग क्यों रहे? कहाँ से हैं आप लोग? कोइलवर से, जमालपुर से। कोइलवर से? मतलब सबसे ज्यादा सेंटर जा रहे के बाद? हाँ, सामाजिक कार्य के बाद है। सब कुछ जा रहे के बाद? अरे आदमी इतना शर्माला ना, फ्रेश होकर बोला। एग्जाम का कितना तैयार बढ़ा? एग्जाम का 100% तैयार है। हम लोग कलम के बल पे एग्जाम दे। हम लोग का सेटिंग वेटिंग नहीं चलता है। सेटिंग वेटिंग नहीं चलता? नहीं, कलम के बल पे है। हाँ, सेटिंग कर रहे हैं। सेटिंग करता है, हम लोग सेटिंग नहीं करते हैं। लोग बोला कि हम इधर पुलिस बन जाए के बाद? इस बार पुलिस बन जाना है। बन जाना है? आप लोग बताइए आप लोग कहाँ से? यूपी। यूपी से? क्यों बाबा की नगरी में रोजगार नहीं है? रोजगार तो सब जगह भी है। रोजगार तो सब जगह पे है, जहाँ पे जिसको जो दिख रहा है वहीं जा रहा है। वहीं जा रहा है, जहाँ मौका मिला वहाँ पे चले जाएंगे। हाँ। एग्जाम के लिए कितना तैयारी है? तैयारी है काफ़ी अच्छा तैयारी है। अपने स्तर पे तो सब कर रखे पूरा। पिछली बार पेपर लीक हुआ था, रद्द हुआ। हाँ। एग्जाम हो रहा, डर भी लग रहा है? कहे के डर? मतलब कि पेपर कहीं आउट मत हो जाए, वायरल मत हो जाए? नहीं 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 नहीं, एक बार हो गया सो हो गया, बार बार थोड़ी ना होगा। एक ही गलती बार बार नहीं होगा। आप लोग कहाँ से? आरा से। यहाँ अरे सही बड़ा जाए, सबसे ज्यादा संख्या आ रही है बना हो। हाँ हाँ। कितना तैयार? कितना बड़ा देगा? 100% 100%। हाँ। आ रहा के लड़का इतना सुस्त ना बोले? सुस्त कहाँ बोला धनी, अब कैसे बोली? टाइट बोला? टाइट है तो बोला। क्या सोच के काइल बड़ा ही बता? सोच के आइल बनी 100% अपन तैयारी के साथ क्वेश्चन के सब टच करब। टच करब। हाँ।
सोच कहीं लोग ना कि बार एकदम पुलिस बन जी। हाँ अपन सोच बाटे अपन तैयारी बाटे कहले बनी जैसन बाटे जैसन फिट बा। हाँ तू लोग कहाँ से बारा जा कैमरा मत आरा से आरा से तू है जरा। हाँ कितना एग्जाम का तू तैयार कितना बा? बहुत ज़्यादा बा। बहुत ज़्यादा बा मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी बा मतलब एकदम 100 में 100 की तैयारी बा। ना इतना तो ना हो सकी सही में ना होगी तभी बा विश्वास बा। पिछले बार पेपर रद्द हो रहे री एग्जाम होता डर भी लगा था ना? डर नहीं लगा डर क्या लगी आरा जी लगल के डरा लो सर। अच्छा आरा जी लगल के ना डरा ना आरा जी लगल के ना डरा लो सर ऐसे डर नहीं लगा ना ना डर क्या लगी। आप लोग बताइए कहाँ से हैं? आप लोग इधर आ जाइए। कहाँ से हैं आप लोग? यूपी से। इतना शर्मा क्यों रहे आप लोग बताइए? पुलिस बनना है शर्माइए का काम चल गया। इधर आइए आगे। कहाँ से आए? जौनपुर जिले से उत्तर प्रदेश। बताइए उत्तर प्रदेश आ गए यहाँ पे शर्मा रहे हैं बताइए शर्मा क्यों रहे आप पुलिस बनने वाले हैं? शर्मा नहीं रहे हैं। कितना एग्जाम के लिए तैयार कितना? हमको एग्जाम नहीं देना है हम आए हैं साथ। अच्छा आप एग्जाम दिलवाने हैं जी। आप बताइए पेपर आपका है? जी सर। आप कहाँ से? यूपी से जौनपुर जिले। जौनपुर कितना एग्जाम के लिए तैयार कितना है बताइए? 100% आज तो आखिरी एग्जाम है जी। पेपर लीक का डर भी लग रहा है? नहीं तो इस बार नहीं होगा। मतलब जो छात्र अभ्यर्थी है निश्चिंत है? हाँ निश्चिंत है। जरूरी थोड़ी है कि हर बार ऐसा हो। एक ही बार हो जाता है और शासन प्रशासन लगा रहे कि इस पे ध्यान दे ऐसा ना हो। लड़के जो लोग मेहनत किए हैं उनको सही मिलना चाहिए। ठीक है। और आप लोग कहाँ से? इधर आइए। यूपी से जी। कितना एग्जाम के लिए तैयार कितना? अपने हिसाब से तो ठीक ही किए। अपने हिसाब से जैसे ना कि प्रिपरेशन करते हैं। हाँ कितना मतलब क्या सोच कर आए हैं कि पुलिस बन जाना है 100 में कितना मारिएगा तो होगा ना कि सोच कर आए हैं? तैयारी तो पूरी की है सर। अब पेपर मिलने के बाद पता चलेगा। हाँ लेकिन अपने से तैयारी पूरी है। हाँ अपने से पूरी तैयारी। चलिए देखिए और भी लोग हैं इन लोगों से बातचीत करेंगे। पेपर देने आए हैं। कहाँ से हैं? यूपी को बलिया जिले से। बलिया जिले से आए। कितना एग्जाम के लिए तैयार कर दिए? एग्जाम को तैयारी किए हैं। पिछली बार जब पेपर हुआ था तो पेपर लीक हुआ रद्द करना पड़ा ईरी एग्जाम हो रहा है तो जो आप लोग एग्जाम देने आ रहे हैं मन में डर भी लग रहा है कि पेपर लीक हुआ रहा सब के लिए? ना इस बार नहीं लग रहा सर। नहीं ना, ना। कितना एग्जाम के लिए तैयार कितना? तैयार अब 5-6 महीने से कर रहे थे। 5-6 महीने से कर। आप बताइए पेपर देना है? जी हाँ। थोड़ा सा गेट सीधा रहा। कितना एग्जाम कहाँ से है? मैं इलाहाबाद कौशाम्बी से आया हूँ। इलाहाबाद। कितना एग्जाम के लिए तैयार कर? एग्जाम के लिए तो तैयारी किया हूँ लेकिन अब की बार सोच रहा हूँ कि फाइनल लिस्ट में नाम आ ही जाए। तैयारी करके ही आया हूँ। क्या बोल रहे हैं? तैयारी करके ही आया हूँ कि अब की बार सोच रहा हूँ कि अब की बार हो ही जाए। मतलब एकदम सोच कर आए? हाँ ये बार एकदम मतलब कॉन्स्टेबल। हाँ पूरा। हाँ रेडी होके आया हूँ। रेडी हो गया है? हाँ मतलब प्रिपरेशन पूरा है? हाँ पूरा है। डर भी लग रहा है क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हुआ था? डर पिछली बार तो मेरा साथ को जब पेपर वायरल हुआ था तो मेरा उस दिन नहीं था तो मेरा 11 तारीख को था इसलिए वो कैंसिल हो गया था इसलिए मैं दिया ही नहीं था। हाँ पिछली बार आपने नहीं दिया था? नहीं। क्या बोल रहे थे? कहाँ से आप लोग? हम लोग भोजपुर जिला से हैं। क्या कहते राजा? बड़ी शर्माते हो राजा तू लोग। चलिए देखिए और भी परीक्षार्थी इन लोग से बातचीत करें। कहाँ से आए आप लोग? बनारस। कितना एग्जाम के लिए तैयार कितना? तैयार है तैयार किए हैं जितना तो देखिए कुछ महिलाएं भी हैं इन लोगों से बातचीत करें। इधर आइए एग्जाम देना ही है। आप लोग कहाँ से आई हैं? बिहार शरीफ से। जी कितना एग्जाम के लिए तैयार कितना है? बहुत सतर तक तैयारी पूरी है जी। पिछली बार पेपर हुआ था पेपर लीक हुआ री एग्जाम हुआ जी तो मतलब मन में डर भी है कि पेपर? नहीं डर तो है थोड़ा लेकिन उतना नहीं है। उतना नहीं लेकिन डर मतलब है कि फिर से पेपर मत लीक हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता है इस बार नहीं होगा। हाँ। क्योंकि आज लास्ट एग्जाम है अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। हाँ। इधर आइए आप आइए। कहाँ से आई हैं एग्जाम देने ये बताइए? शेखपुरा जिला से। कितना एग्जाम के लिए कितना तैयार है? बिना तैयारी किए हुए एग्जाम देने थोड़ी ना। वही तो पूछ रहा हूँ ना कितना एग्जाम के लिए तैयार है। पूरा तैयारी है कि रिजल्ट होगा जी। मतलब पुलिस बनना है? हाँ बनना है तो ना। पिछली बार जो पेपर हुआ था रद्द हुआ था उसमें डर उर भी लग रहा है? नहीं डर कुछ लगेगा एग्जाम देना है तो हमको डर काहे लगेगा। चलिए देखिए आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे आपको बताते चले कि देखिए सिपाही भर्ती परीक्षा का आज आखिरी और अंतिम चरण और ऐसे में देखिए 6 चरणों में जो एग्जाम था
वो लिया जा रहा था और आज एग्जाम का आखिरी दिन है। क्या बोल रहे हैं बोलिए। जौनपुर से हैं? नहीं, गाजीपुर से हैं। कहाँ है? बाबा की नगरी छोड़ के बिहार में? पर एग्जाम देना है तो आएंगे ही। मतलब जहाँ मौका मिले वहाँ चले जाइए? हाँ, जहाँ एग्जाम देना होगा तो वहाँ तो आएंगे। कितना तैयार कितने तैयारी किए हैं? अब क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से हम करेंगे। मतलब खुद से तैयारी पूरी है? हाँ। आप लोग कहाँ से? नालंदा से। नालंदा से कितना एग्जाम के तैयार करते हैं? पूरा है। कितना? 100%। 100% मतलब एकदम सोच कर आए कि इस बार पुलिस बनना है? हाँ, एकदम बन जाना है कांस्टेबल। एकदम कांस्टेबल बन जाना? एकदम बन जाना। सही रहा ऊपर नीचे तो ठीक है। ऊपर नीचे तो अभी तक तो सही है, और भी लास्ट है सही रहेगा तो बन जाएंगे। मतलब ऊपर नीचे सही रहा तो इस बार पुलिस बनिएगा? पढ़ने वाला को तो दिक्कत होता है ऊपर से ही, अगर ऊपर सही रहा अंदर सही रहा बन जाना है। बन जाना सोच कर आए? सोच के आए। उम्मीद है? उम्मीद है। चलिए देखिए, आज सिपाही भर्ती परीक्षा का आखिरी और अंतिम चरण है, और ऐसे में देखिए तमाम जो परीक्षार्थी हैं जिनका आज परीक्षा होना है वो देखिए एग्जाम सेंटर पर पहुंचे हैं। हम इन लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कहां से आए और एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार है। तमाम लोगों ने अपना अपना राय दिया है और क्या कुछ इन लोगों का कहना था अपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखिए। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक इंतज़ार।